प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ब्रह्मांड में एक ऐसा विचित्र योग बन रहा है जो कभी कभी बनता है, और उस योग का प्रभाव क्या होगा। ब्रह्मांड के अंदर सभी शुभ ग्रह सभी पापियों के साथ हैं, बड़ा विचित्र योग है। अब हर एक शुभ ग्रह कहीं ना कहीं पापी के साथ है या पापी की दृष्टि में है। आज हम वो जानकारी आपको देंगे, आज वो बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा। और एक और बड़ी बात है कि सारे ग्रह तीन गुना पाप कर्तरी योग, ट्रिपल पाप कर्तरी योग बना हुआ यूनिवर्स के अंदर, तो पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मची हुई है। मैंने पिछले सूर्य ग्रहण के समय एक भविष्यवाणी करी थी, राष्ट्राध्यक्ष कोई भी इस दुनिया से विदा हो सकता है। बड़े बड़े नेताओं के लिए ये ग्रहण भारी है, पृथ्वी लोक पर भारी है। अब देखिए उत्तर कोरिया का तानाशाह, उसकी हालत खराब है। ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तीन गुना ट्रिपल पाप कर्तरी दोष, ट्रिपल पाप कर्तरी दोष ये कैसे प्रभाव डालेगा, और साथ में सारे शुभ ग्रह कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में हैं, इसका क्या प्रभाव मिलेगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, बताने से पहले मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा Facebook पेज एस्ट्रो टीवी आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी राशियों पर इसका प्रभाव रहने वाला है। पहले हम आपको बताएं कि जो पापकर्तरी योग है वो देखें किस प्रकार से बन रहा है। बृहस्पति नीच है, ये शनि के साथ बैठा है, इसका मतलब एक शुभ ग्रह ये शनि के साथ है, पापी ग्रह के साथ है। अब बृहस्पति के जहां पर बृहस्पति बैठा है उसके दूसरे और बारहवें भाव में केतु और मंगल बैठे हुए हैं, ये एक पापकर्तरी योग है। उसके बाद में बारहवें भाव का एक पापकर्तरी योग, यानी एक इस प्रकार से पापकर्तरी योग बनता है, लगातार पापकर्तरी योग। शुक्र जो है सूर्य और राहु के बीच में पापकर्तरी योग में है, वो भी एक पापकर्तरी योग में फंसा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस पाप ग्रहों का प्रभाव, पापकर्तरी योग और अशुभ माला योग, यानी कंटिन्यूअस ग्रहों का प्रभाव चलना, वो प्रभाव कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इसके इफेक्ट क्या रहेंगे। अब यहां जो शुक्र है उस पर मंगल की भी दृष्टि है। अब शुक्र मंगल से पीड़ित है, बुध सूर्य से पीड़ित है, गुरु शनि से पीड़ित है, और चंद्रमा के ऊपर तो प्रभाव रहता ही है कभी ना कभी, कभी शनि की दसवीं दृष्टि में, कभी मंगल की चौथी दृष्टि में, केतु की दृष्टि में, कभी राहु की दृष्टि में, कभी सप्तम भाव में आ जाता है। तो आज हम जानकारी देते हैं, पहली शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए ये पापकर्तरी योग तीन गुना कहां पर बन रहा है। आपकी जो राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और जो मंगल है अगर उसको देखा जाए तो मंगल अशुभ माला योग बना के बैठा, केतु शनि और मंगल तीन लगातार, तीनों लगातार पापी ग्रह, और फिर मंगल और सूर्य लगन में सूर्य बैठा, यहां एक पापकर्तरी योग बनता है, और फिर सूर्य और राहु के बीच में एक पापकर्तरी योग बनता है। कंटिन्यूअस तीन पापकर्तरी योग, यानी सूर्य और राहु के बीच में, सूर्य और मंगल के बीच में, मंगल और केतु के बीच में, ये तीन पापकर्तरी योग कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, इनका उपाय करना आवश्यक है। तो मेष राशि वालों के लिए आपकी राशि का स्वामी जो है वो अशुभ माला योग में कोई हानिकारक नहीं है बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के ऊपर सीधा सीधा पापकर्तरी योग राहु और सूर्य का है, मंगल की चौथी दृष्टि है, तो ये पापकर्तरी योग बनता है, और आपके भाग्य स्थान की तरफ अशुभ माला योग बनता है।
और आपके लाभ स्थान पर सूर्य और मंगल का योग बनता है। आपको एक ओपल पहन के रखना चाहिए, इस नग के पहनने से आपको काफी लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के बारह भाव में पाप कर्तरी योग और कैरियर भाव पर पाप कर्तरी योग और साथ में केतु शनि और मंगल का मृत्यु स्थान से पाप कर्तरी योग, ये तीन पाप कर्तरी योग, तो मिथुन वालों के लिए थोड़ा आयु के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक पाप कर्तरी योग बनता है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लिए ग्यारह भाव से पाप कर्तरी योग, भाग्य स्थान से पाप कर्तरी योग और पत्नी स्थान से पाप कर्तरी योग और अशुभ माला योग। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ को ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कैरियर के ऊपर पाप कर्तरी योग, मंगल राहु का पाप कर, मंगल का और सूर्य का पाप कर्तरी योग, ये अष्टम भाव में है और रोग स्थान पर पाप कर्तरी योग, तो कहीं ना कहीं ये पाप कर्तरी योग तीन इकट्ठे बने हुए हैं। अब इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जो स्थिति है कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, इस पीरियड में नहीं हो सकती, तो काल सर्पयोग का प्रभाव भी है और तीन तीन पाप कर्तरी योग और साथ में अशुभ माला योग, यानी लगातार कंटिन्यूस तीन ग्रह पापी का चल जाना जब होता है तो जिस भाव में वो आते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं नुकसान कर देते हैं। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहां पाप कर्तरी योग बनेगा, तुला राशि का स्वामी शुक्र है मृत्यु स्थान में, यहां पर पाप कर्तरी योग है, रोग स्थान पर मंगल सूर्य का पाप कर्तरी योग है, मां के स्थान पर केतु और मंगल का पाप कर्तरी योग है और चौथे भाव में केतु शनि और मंगल कंटिन्यूस तीन ग्रह, यहां पर एक अशुभ माला योग है, तो यहां थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए कहां बनेगा ये, जो बच्चा वृश्चिक लग्न में पैदा होगा या जिनकी वृश्चिक राशि है उनको क्या प्रभाव, धन भाव और तृतीय भाव और चौथे भाव केतु और मंगल की पाप कर्तरी योग की युति छोटे भाई बहन के ऊपर बनती है और यहीं पर अशुभ माला योग भी बनता है और मंगल सूर्य से पंचम भाव संतान भाव पर पाप कर्तरी योग बनता है, सूर्य और राहु से आपके सप्तम भाव पर पाप कर्तरी योग बनता है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कोशिश ये की जाए कि इस समय पर अगर डॉक्टर सर्जरियन बताता है तो हमें सर्जरियन निकलवा करके मुहूर्त निकलवा के ही करना चाहिए, नहीं तो अगर आप ऐसे ही कर लेते हैं और ऑपरेशन में तो मुझे लगता है कहीं बच्चा थोड़ा सा ऐसे ग्रह में आ सकता है। धनु की बात करते हैं तो धनु में केतु बैठा हुआ है, धनु राशि के ऊपर केतु चल रहा है, वो पूरे साल चलेगा, सितंबर तक चलेगा। केतु शनि और मंगल का पाप कर्तरी योग धन भाव पर है, मंगल सूर्य का पाप कर्तरी योग चौथे भाव पर है, सूर्य राहु का पाप कर्तरी योग रोग स्थान पर है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और धन का भी आपको ध्यान रखना है कि धन का नुकसान ना हो, लॉकडाउन का तो वैसे ही चल रहा है। अब मकर राशि की बात करते हैं तो सेहत के ऊपर पाप कर्तरी योग है, आंखों पर इसका प्रभाव आएगा, तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन के ऊपर इसका प्रभाव आएगा और बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव आएगा, तो मकर के ऊपर भी पाप कर्तरी योग उनके हेल्थ से रिलेटेड बनता है। अब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि पर ये पाप कर्तरी योग बारह भाव पर है, दादी का स्थान है, मंगलिक योग आपकी राशि पर बनता है, केतु और मंगल और सूर्य इनकी एक युति है, इसका पाप कर्तरी योग का प्रभाव आपके खर्च के ऊपर है, एक पाप कर्तरी योग सूर्य और राहु से बनता है वो सुख साधन पर, वो मां के स्वास्थ्य पर है और एक अशुभ माला योग लगातार बारह भाव पर है, वो भी एक बहुत पॉजिटिव नहीं है। कारण ये कि ब्रह्मांड के अंदर ये जो ग्रहों की चाल इस समय चल रही है, यानी जो सूर्य क्रूर ग्रह उसके साथ बुध है और शनि के साथ में नीच का बृहस्पति है और जो शुक्र है उस पर मंगल की भी दृष्टि है और चंद्रमा तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में या दृष्टि में हो जाता है, तो इसका मतलब ये रहा कि हमारे चारों शुभ ग्रह कहीं ना कहीं इस समय की स्थिति के अंदर वो पाप प्रभाव में चल रहे हैं, या तो पाप कर्तरी योग में है और आजकल ब्रह्मांड में तीन गुना पाप कर्तरी योग चल रहा है जो पृथ्वी लोक के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य जीवन के ऊपर भिन्न भिन्न राशियों पर उसका भिन्न भिन्न प्रभाव है, सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं होता, किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव है, किसी के धन पर प्रभाव है, किसी के बच्चे पर प्रभाव है, किसी की माँ पर प्रभाव है, किसी की पत्नी पर प्रभाव है, तो कोई ना कोई कष्ट जिस भाव से, लेकिन ये तो तीन गुना है
तो अब इसका अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, वीडियो अंत तक आप देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के ऊपर जो इसका प्रभाव चल रहा है वो भी बता देते हैं। मीन राशि के ऊपर पापकर्तरी योग, एक तो स्वयं हेल्थ के ऊपर ही है, दोनों तरफ सूर्य और मंगल है, आंखों पर तकलीफ हो सकती है, लाभ स्थान पर इसका पाप प्रभाव है और साथ में तीसरे भाव पर भी इसका पाप प्रभाव है। तो ये जो पाप प्रभाव चल रहे हैं ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, इनके प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिव आएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है इसको आप ठीक कैसे करें। पांचों पापी ग्रह जिसमें दो क्रूर तीन पापी हैं, इनकी पूजा, इनके मंत्रों का जाप रोजाना करते रहना चाहिए, डेली करें। अगर आपको राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, शनि की साढ़े सात ही चल रही है, तो आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं, शनि से संबंधित तेल का दान दे सकते हैं, सूर्य को आप जल भी चढ़ा सकते हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जिन पे मंगल की दशा चल रही है वो मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, वो सूर्य को जल दे सकते हैं, राहु केतु शनि के मंत्रों का जाप आप रोजाना कर सकते हैं, इनसे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो हम रिसर्च करते रहते हैं कि यूनिवर्स में कौन कौन से ग्रह कब आ रहे हैं, तो ये तीन गुना यानी ट्रिपल पाप कर्तरी योग, अशुभ माला योग, इसकी शांति के लिए भी आपको मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। मित्रों अब समय आपसे हाथ लेने का, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता दे देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 2563815। मोबाइल नंबर 9212860090, 9811414156। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।